बच्चा सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एनडीए को हुए सीटों के नुकसान को लेकर और अपनी हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बिहार में एनडीए को सीटों का नुकसान हुआ है। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आए कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये दो दिन समीक्षा की गई कि किस तरीके से सीटों की कमी आई है। तो वहीं काराकाट में हुए अपनी हार को लेकर भी कहते नजर आए कि इस बार जो हार हुई है उसमें जो वोटों का अंतर था बेहद कम है। साथ ही साथ एनडीए के सीटों के नुकसान को लेकर कहते नजर आए कि यह पता चला है कि इस बार जो कोऑर्डिनेशन था उसमें कमी देखी गई थी, कहीं कोऑर्डिनेशन कम था तो कहीं बिल्कुल था ही नहीं, इस वजह से इस बार एनडीए को सीटों का नुकसान हुआ। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बयान दिया, कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन बेहतर की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल की जा सके। तो वहीं लालू यादव के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आपको दिया गया है कागज जिसमें और भी डिसीजन हुए हैं उसकी चर्चा की गई, आप देख लीजिएगा, इससे संबंधित कोई सवाल होगा। चर्चा तो सब तरह की है, लेकिन चर्चा में क्या लोगों ने कहा है और क्या निष्कर्ष निकला है, हमने प्रारंभ में कहा कि तमाम निष्कर्षों को शेयर करने में मशहूर है, नहीं कर पाए। देखिए, हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष जो हम कहे न कहे आपको मालूम है, जो चीज आपको मालूम है आप उस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है, और सिर्फ आपकी को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कह रहे हैं कि सवाल का जवाब आपको भी मतलब मीडिया के वर्गों को भी मालूम है, और आप जिनको दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको भी मालूम है, तो जिनको जानना चाहिए सबको जब मालूम ही है तो मेरे मुंह से क्यों कहवाना चाहिए? देखिए, वो तो राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए धन्यवाद किया ही है, और फिर से एनडीए के तमाम नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं, और निश्चित रूप से इससे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, और इसका लाभ भी एनडीए को मिलेगा। नौ अगस्त से तो शुरुआत होगी, 9 अगस्त के बाद हमने कहा कि जिला के साथ ही पॉइंट तय करके बताए, 9 अगस्त के बाद 2 महीना जो हमने कहा कि सदस्यता अभियान में प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का समय है उस दौरान नहीं जाए। देखिए, ऐसा कहना पूरे तौर पर कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया बिल्कुल सही नहीं, आंशिक रूप से कहीं कहीं गया, मानसिक रूप से गया तो सिर्फ एक जात का नहीं और जात का भी अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए, वो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कई जातियां हैं जिनका वोट आंशिक रूप से थोड़ा ज्यादा या कम कई जगह इधर उधर हुआ है, तो आरजेडी गठबंधन का जो समीकरण है उसका वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये दोनों तरफ हुआ है, इसलिए किसी एक जात के बारे में सीधे कहना कि वोट आरजेडी की तरफ चला गया यह सही नहीं। दावा करते रहे
उनके दावा आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता है। देखिए आरजेडी के लोग पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों की संख्या ज्यादा उनके खाते में आ गए, इस बात को लेकर भी मुगालते हुए हैं कि 2025 में जीत लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2025 में हम सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले यानी पुलाव इतना पकाना होगा। ये कहां झगड़ा लगाने वाली बात है, केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, कैबिनेट कंट्रोल करने की कोशिश होगी क्या विधानसभा अध्यक्ष? देखिए यहाँ विषय मेरा नहीं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ चर्चा है चर्चा वो भी हो, लेकिन मेरा विषय नहीं, मेरा विषय नहीं, इसको हम कैसे बताएं? आंशिक रूप से कहीं ज्यादा या कम काराकाट में सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहां और सबसे ज्यादा कम, कोई थर्मामीटर नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति है। लालू जी के कहने से गिर जाना मतलब बहुत पहले सरकार गिर गई, उनके कहने से नहीं गिरने वाले हैं, जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की और बढ़ती जाए और आयु बढ़ती जाए। लालू जी कहेंगे अगस्त में गिर जाएगा, सुबह जी और आयु बढ़ गई। विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है बिहार को, तो नीतीश कुमार का समर्थन वापिस लो, ये बातें लालू यादव के चाहत से चली आती है। अच्छा चाह रहे हैं वापिस ले लें ताकि हम बैठ जाए, ऐसे थोड़े बता रहे हैं, इतनी आसानी से आरजेडी को और बिहार की जनता को नहीं बैठने देने वाले, मुगालते हुए हैं कि चढ़ा दे वापिस ले ले या फिर हम अपने बेटा को वोट बदल देना है, ये नहीं होने वाला। अकेले ले आएंगे तो जो माले के लोग हैं सीपीआई सीपीएम उनको हटा दे गठबंधन से, अगर अकेले लाने की बात है तो हटा दे उनको गठबंधन से। ये तो जो बोल रहे हैं लालू जी की अकेले ले आएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के जो लोग उनके साथ गठबंधन में है वो उनके लिए चिंता कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला, वो अकेले रहे या गठबंधन में। ठीक है।